नमस्कार और सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो मैं भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूं और सवेरे से शुरू हो जाते हैं। जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है तो सवेरे से देशभक्ति पर गीत शुरू हो जाते हैं और लोग एक दूसरे को जो है व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे बधाइयां देने लगते हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम जब हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली और जब हमने भारतीय गणराज्य यानी कि हमारे ही लोगों का राज्य स्थापित किया तो उस समय में कम से कम हमने एक दूसरे को हिंदी, मराठी या अपनी जो भारतीय भाषा है उसमें एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। इसलिए फिर एक बार आप सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर सभी छोटे बच्चों को भी मैं बोलना चाहूंगा, वैसे तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको कितना भी बता दे आपके दिमाग में तो कुछ जाने वाला है नहीं। साधारण भाषा में बताता हूँ, इट्स काइंड ऑफ अ रूल बुक। आपके स्कूल में होता है ना, होमवर्क नहीं किया तो क्या होगा, आप स्कूल में नहीं आओगे तो क्या होगा, मस्ती करोगे तो क्या होगा, ज्यादा नॉटीनेस करोगे तो क्या होगा, साथ ही साथ ये स्कूल बनेगी तो कैसे बनेगी, टीचर क्या करेगी, स्टूडेंट क्या करेंगे, पेरेंट क्या करेंगे, इस सब के बारे में जो पूरी नीति नियमावली जो रूल्स बनते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और आपको गणेश जी की कथा पता है, गणेश जी को बोला गया था कि जाइए दुनिया में एक चक्कर मार के आइए, तो क्या किया गणेश जी ने, किसी को पता है? वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, इतने लोगों को पता है। गणेश जी ने क्या किया, मम्मी पापा को चक्कर मारा, क्योंकि बच्चे की दुनिया तो मम्मी पापा होती है, करेक्ट। तो वैसे ही ये देश, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें जो है आपके लिए स्कूल के अंदर, ये स्कूल आपका देश है। और इसी बेस पर मैंने मेरा एक प्रोग्राम, नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम डेवलप किया जिसके अंदर पूरा स्कूल ही एक देश है। उसके अंदर रहने वाला हर विद्यार्थी वहां का सिटीजन है यानी वहां का नागरिक है। और शिक्षक, असल में शिक्षक को हमारे देश में हजारों लाखों सालों पहले से सबसे ज्यादा जो है वो इज्जत दी गई और सबसे इंपॉर्टेंस दिया गया है। किसी भी बच्चे को अगर आपने कोई सीरियल देखा हो या कुछ देखा तो एक सवाल आपको कोई लोग पूछते हुए नजर आते हैं, आपका वंश क्या है, मतलब पिताजी कौन से वंश से है, माता का नाम क्या है और आपके गुरु कौन है, मतलब गुरु कौन है, शिक्षक कौन है। पर शिक्षक यहाँ पर जैसे मैं बच्चों से संवाद कम और मैं सोचता हूँ कि मैं शिक्षक और पेरेंट्स और यहाँ के कर्मचारियों से यानी जो स्टाफ है उनसे ज्यादा संवाद कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। देखिए, गुरु और शिक्षक इसमें फर्क है, बहुत सारे स्टेप्स है। शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, उपाध्याय, आचार्य और फिर गुरु। गुरु उसके लिए कोई डिग्री नहीं होती है, गुरु वो होता है जो सही राह दिखाए। और सबसे पहले तो मैं शिक्षकों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज की दुनिया जो है थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। पेरेंट में भी प्रोफेशनलिज्म, देयर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड प्रोफेशनलिज्म इन द स्कूल। टीचर्स आल्सो यूज्ड टू से दैट वी आर प्रोफेशन। काइंडली नो दैट दिस इज नॉट अ प्रोफेशन, स्कूल इज नॉट प्रोफेशन। टॉकिंग अबाउट माइसेल्फ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन, मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं इनटू सर्विस हूं, मैं सर्विस में हूं, मैं सेवा में हूं। और यही भाव शिक्षकों को रखना पड़ेगा। आजकल कई शिक्षक जो है वो सैलरी पैकेज के हिसाब से काम करते हैं, कुछ लोग जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, देश के लिए कुछ करना है, ये सोच के करते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ और नहीं तो चलो शिक्षक बन जाते हैं। ऐसे में क्या होने लग गया, आजकल स्कूलों में क्या दिक्कत होने लगी, टीचर्स आज है कल दिखती नहीं है ना, बच्चे को बताइए, कभी कभी टीचर जो है हफ्ते भर में चली जाती है, बिना बताए चली जाती है। मैंने नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम के तहत एक नया प्रोग्राम शुरू किया है कि जो भी टीचर बिना बच्चों को मिले, बिना नोटिस पीरियड दिए, बिना अपने सीनियर्स को मिले, अचानक से स्कूल छोड़ के जाएंगी, ऐसे टीचर्स के घर पे मैं और मेरे विद्यार्थी जाकर उन्हें फूल देते हैं ताकि उन्हें समझे कि हम विद्यार्थी हैं और हम लोग शिक्षण क्षेत्र में हैं, तो कम से कम एक दूसरे को खुशी खुशी विदा करें। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत कम समय में बना। लेकिन कुछ फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए।
यूं तो इसका पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है और हम किसी एक ही व्यक्ति को जो है इसका पूरा श्रेय देते हैं। नो डाउट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत किया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, लेकिन 299 लोग 299 पीपल वेर इन्वॉल्व इनटू मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन समय के हिसाब से 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। वर्किंग डेज में कहीं 168 समथिंग कुछ डेज है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे उस कमेटी में 7 टोटल लोग थे, उनके साथ में 6। हम स्कूल में इक्वल टू आवर पॉलिसी में चलते हैं। यहां से मैं सभी लोगों को समझाना चाहूंगा कि श्रेय किसी को देना अच्छी बात है, लेकिन किसी और का श्रेय छीन नहीं लेना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि उन सभी 299 लोगों के लिए एक बार जो है हम अप्लॉज करें जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। देन अगेन कमिंग टू द स्कूल एज अ कंट्री, ये आपका देश है और यहां के सिटीजन कौन है? स्कूल किसके लिए चलती है? किसके लिए चलती है? बच्चों के लिए चलती है, बच्चों के लिए चलती है ना। तो आप इस स्कूल के मालिक हो, तो ये स्कूल संभालना आपका काम है। लेकिन आजकल क्या देखा जाता है? बच्चे दरवाजे तोड़ते हैं, बच्चे बेंच तोड़ते हैं, बच्चे गंदगी फैलाते हैं, और ये सब करने से क्या होता है? आप अपने देश का नुकसान कर रहे हो। और यही हम बाहर भी देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ के सिटीजन हो तो बाहर जा रहे हो, फिर क्या होता है? दंगा होता है, उसमें क्या होता है? बसें जलाई जाती है, उसमें क्या होता है? पत्थर फेंके जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि स्कूल के अंदर आपकी शिक्षा करेक्ट नहीं है। तो मैं खास करके उन बच्चों को बोलूंगा जो बड़े हैं, जो 5वीं 6वीं 8वीं के हैं, आपको आपके स्कूल का ध्यान रखना है। और इस स्कूल में उम्र के 12 साल के बाद, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारी मान्यताओं में है, 12 साल के उम्र तक आप बच्चे हो, आपको कोई पाप लगने वाला नहीं, तब तक पुण्य मिलेगा। लेकिन 12 साल से ज्यादा अगर आप हो गए हो तो आप गलत काम करते तो उसका पाप लगेगा। अब पाप लगेगा तो क्या नरक में जाके कड़ाई में चले जाओगे या क्या, वो नहीं पता हमको, लेकिन पाप तो लगेगा। और हर बड़ा बच्चा छोटे बच्चों के लिए टीचर है, और वही मेरा कंसेप्ट है क्लास विदाउट टीचर, और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। छोटे बच्चे बड़े से सीखते हैं। आपके सिबलिंग आपसे सीखते कि नहीं सीखते? अगर किसी भाई बहन है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे बच्चे सीख रहे। देन स्कूल में क्लीनिंग वगैरह होता है, ये हमारा देश है, इसको क्लीन रखना हमारा काम है। टॉयलेट क्लीन करते हो स्कूल में? यू, अरे टॉयलेट करने में शर्म नहीं आती तो क्लीनिंग करने में शर्म आती है? टॉयलेट करते जाते हो? मैडम यू आई वांट टू गो, ओ नो शी, बोलते हो नहीं? तो ध्यान रखिए, हमको क्लीनिंग जो है उसके अंदर भी कोई ऊंच नीच नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिन्होंने भी बनाया उन्होंने सबको इक्वल टू ऑल बोला, ना कोई जाति है ना कुछ है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे घर में बड़ा धोखा है, क्योंकि हमको सिखाते हैं वही हमारे हर सर्टिफिकेट पे जाति धर्म है। भगवान करे धीरे धीरे जैसी सब चीजें ठीक हो रही है तो वो दिन भी आए कि जब जातियां जो है एक दिन सबके सर्टिफिकेट से हट जाए। मान्यताएं हो सकती है पर जातियां नहीं, जातियां ये हमने बनाई है, ये असल में नहीं है। 4 प्रकार की व्यवस्था हमारी है, तो जातियां हमने बनाई हुई है। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पेरेंट्स ज्यादातर छुट्टी के हिसाब से देते हैं। ये हमारा देश है, हमारे देश में और स्टेट गवर्नमेंट भी भेजती है कि आपको झंडा फहराने के लिए अपने स्कूल में जाना है, अपने नजदीक एरिया में जाना है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि पेरेंट्स या कई लोग जो है इसे छुट्टी के हिसाब से लेते हैं। क्या हमें अपने झंडे को सलामी नहीं देनी चाहिए? क्या हमें गर्व उसके ऊपर महसूस नहीं करना चाहिए? मैं जहां भी जाता हूं 26 जनवरी या 15 अगस्त को मुझे कभी ऐसा जैसा एनुअल डे में होता है वैसा प्रेजेंटी कभी नजर नहीं आती है। क्यों? फिर कई लोग बोलते हैं कि सवेरे उठने का प्रॉब्लम है। अभी अभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला है कि बच्चों की स्कूल 9 बजे खोलो, हमने तो विरोध किया है उसका स्कूल मैनेजमेंट फोरम से भी। प्रॉब्लम उठने का नहीं, प्रॉब्लम सोने का है। रात को जागते रहते हो तुम, थोड़े मम्मी पापा जागते। कई बार मैं मैसेज डालता हूँ, चेक करता हूँ किसने मैसेज कब पढ़ा, टीचर सो या कोई, रात को 1 बजे 1:30 बजे 12 बजे 11 बजे। आप लोगों का प्रॉब्लम सोने का है। आप सोने के लिए समय पर जाइए,
आठ नौ बजे जाइए, नौ बजे सो जाओगे, आठ घंटे की नींद बोतोगे, पांच बजे उठोगे। हम लोग बचपन में सवेरे पांच बजे उठते थे, पांच पांच आठ आठ किलोमीटर दौड़ते थे, सात बजे दोबारा स्कूल में हम रहते थे। और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है या आर्मी पर्सन है वो देखो, आर्मी में लोग सवेरे चार बजे उठते हैं, पहले अपना बेसिक एक्सरसाइज करते, पांच बजे खाना खाते, पांच बजे सवेरे सवेरे नाश्ता नहीं करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, दोपहर को मीडियम और शाम को नाश्ता करना चाहिए। हम क्या करते, सब उल्टा करते, यूजली सर के नीचे तकिया नहीं, पैर के नीचे होना चाहिए, लेकिन हम सर के नीचे लेकर सोते हैं। नहाना चाहिए ठंडे पानी से, हम गर्म पानी से नहाते हैं, बराबर है। और फिर बोलते हैं कि हमारा सर दुख रहा, पैर दुख रहा, हमारी तबीयत खराब हो गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सोचने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजें हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आप कुछ चीजें अपने आप को पूछा करो कि हम क्या कर रहे, क्यों कर रहे। हमको बोल दिया जाता है इधर चलो, इधर चले, उधर चलो, उधर चले, भेड़ बकरी की चाल नहीं, खुद से सवाल करो। गले में टाई पहनी है, क्यों पहनी है, कोई बता पाएगा? टाई क्यों पहनते हम लोग, ब्लेजर क्यों पहनते हैं, कब से शुरू हुआ, स्कूल में चार हाउस क्यों है, हाउस रिलेवेंट है भी या नहीं है, बस चले आ रहे। नेशनल इंटीग्रेशन कंसेप्ट के अंदर मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे बचपन में बड़े सवाल होते थे, टाई लटका के क्यों घूमते हम लोग, क्या फायदा क्या उसका, या हम लोग आईडी कार्ड क्यों पहनते हैं, हम लोग पर्टिकुलर यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म आपके स्कूल का हिस्सा ही नहीं, देश का भी हिस्सा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी सब एक है, कोई ऊंच ना है नहीं, कोई नीचा नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म को आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहनना, और स्कूल के यूनिफॉर्म में कभी ब्रिज नहीं करना, हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, चाहे शूज हो, बेल्ट हो, शर्ट हो, पैंट हो, या जो भी हो, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हम सब एक है। एंड व्हाट इज द प्राइमरी स्कूल, यू आर लर्निंग इन द प्राइमरी स्कूल, टीचर्स आर टीचिंग इन द प्राइमरी स्कूल, पेरेंट्स आर इन द प्राइमरी स्कूल, बट व्हाई, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी स्कूल। ये प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र है। जिंदगी में जितनी भी चीजों को आपको फेस करना है, जिंदगी में जितनी भी चीजें आपके सामने आनी है, उन चीजों का कम से कम नॉलेज जो है वो आपको प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र यानी प्राथमिक विद्यालय से लेकर जाना है। इसलिए आठवीं तक का जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें किसी सब्जेक्ट का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, आपको हर सब्जेक्ट सिखाया जाता है, हर चीज का एक्सपोजर दिया जाता है, उसके अंदर आपके छह नहीं आठ दस सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक्टिविटीज हो सकती है, डांस भी आपका पार्ट ऑफ द एजुकेशन है, आर्मी का जो डिसिप्लिनरी है वो भी पार्ट ऑफ एजुकेशन है। तो इसको बहुत अच्छे से सीखना और इस स्कूल को स्कूल नहीं देश समझना। और एक इम्पोर्टेंट चीज, जो स्टाफ खड़ा है उनसे भी मैं कहूंगा, जो पेरेंट है उनसे भी कहूंगा, इस गेट के अंदर जो भी व्यक्ति है वो टीचर है, कोई हाउसकीपर नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई जो शिक्षक है, अकाउंटेंट है या क्लर्क है, एवरीवन इज टीचर इनसाइड दैट गेट, एंड व्हेन पेरेंट्स आर आल्सो एंट्री इनसाइड द गेट, दे शैल फील दैट दे आर आल्सो टीचर्स। तो आप भी जो यहाँ पर संवाद करते हो टीचर पेरेंट आपस में, जो हमारा स्टाफ आपस में संवाद करता, ध्यान रखना बच्चा आपको देख रहा है, बच्चा आपसे सीख रहा है, तो आपको शिक्षक के तरह रहना चाहिए। और ये बड़ा एथिकल है, आपको एथिकल ही रहना पड़ेगा। और विद्यार्थियों से भी कहूंगा, आपके जूनियर जो बच्चे हैं या आपके स्टूडेंट है, वो आपसे सीख रहे हैं, तो आपको उनके सामने एक अच्छा आइडल बनना है और उनको कुछ अच्छी चीजें सिखानी है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, फिर कभी शायद मिले और बहुत सारी बातें करें। और जाने से पहले, हजारों लाखों साल से विविध जनपदों में और राज्यों में वंशों में बटे हुए इस अखिल भारत वर्ष को एक सन बांध के अखंड भारत राष्ट्र के रूप में जन्म देने वाले महान शिक्षक आचार्य चाणक्य को मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।